गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन और जन जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। कहा, बाढ़ अतिवृष्टि नदियों के जलस्तर की स्थिति पर रखी जाए सतत नजर। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी तथा आपदा प्रबंधन टीमों को रखें 24/7 एक्टिव मोड में। प्रभावित परिवारों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए हर जरूरी मदद। हरपुर बुधहट व सिकरीगंज पुलिस की संयुक्त टीम की मुठभेड़ में गोली लगने से एक साथ लुटेरा हुआ घायल। जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 25 जून की लूट की घटना में था शामिल। एसएसपी ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम को 25,000 का दिया इनाम। बुधवार को हुआ झमाझम बारिश। पहले ही बारिश में शहर में कई जगहों पर हुआ जल जमाव। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, 110.8 मिलीमीटर हुई है बारिश। शहर के कुछ हिस्सों में हुई जल जमाव की समस्या। नगर निगम की सक्रियता से 3 से 4 घंटे में सभी जगह से निकाला गया पानी। अब नहीं है जल जमाव की समस्या। आजमगढ़ बस्ती एवं गोरखपुर की मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। 6 प्रगतिशील कृषकों को प्रमाण पत्र देकर किया गया पुरस्कृत सम्मानित। कहा, आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाकर कृषक बढ़ाएं अपने उत्पादन एवं उत्पादकता। आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे गोरखपुर। किया गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन पूजन। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया निरहुआ का जोरदार स्वागत। कहा, जिस उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, एक छोटा सा सिपाही बनकर मैं भी खड़ा रहूंगा उनके साथ। एक जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित बैठक जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा, अभियानों के 100% सफलता सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो प्लान के अनुरूप करें कार्यवाही। कोविड के मरीजों की संख्या में हुई मामूली वृद्धि। कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 114। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, कोविड का टीका ही है सुरक्षा कवच, सभी लोग लगवा लें कोविड का टीका। उदयपुर की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में जिहादी आतंकवाद का किया गया पुतला दहन। कहा, गिरफ्तार हुए लोगों को दी जाए जल्द से जल्द फांसी की सजा। और जनपद में बुधवार को सुबह से ही मानसून ने दी जोरदार दस्तक। शहर से लेकर देहात के इलाकों में हुई झमाझम बारिश। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आ गया है मानसून। 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर हुई बारिश। किया अपील, दामिनी ऐप को सभी लोग अपने मोबाइल में करें डाउनलोड। ऐप को ओपन करने से पता चल जाएगा कि बिजली गिरने का खतरा है या नहीं। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं, जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और जल भराव की समस्या के समाधान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ अतिवृष्टि की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए, नदियों के जलस्तर की सतत मॉनिटरिंग की जाए,
प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी तथा आपदा प्रबंधन टीमों को 24/7 एक्टिव मोड में रहें। आपदा प्रबंधन मित्र सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता ली जानी चाहिए। इन्हें विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाए। नौकाएं, राहत सामग्री आदि के प्रबंध समय से कर लें। बाढ़, अतिवृष्टि से पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर ना हो। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ के दौरान और बाद में बीमारियों के प्रसार की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य किट तैयार करके जिलों में पहुंचा दिया जाए। क्लोरीन, ओआरएस, बुखार आदि की दवाएं जरूर हो। कुत्ता व सांप के काटने की स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सक की मदद मिलनी चाहिए। लोगों को बताया जाए कि बाढ़ का पानी कतई ना पिए। जब भी पानी पिए उबाल कर छान कर पिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहत शिविरों में चिकित्सकों की टीम विजिट करें। हमें कोरोना के प्रति भी सतर्क रहना होगा। बाढ़ के दौरान जिन गांवों में जल भराव की स्थिति बनेगी वहां आवश्यकता अनुसार पशुओं को अन्यत्र सुरक्षित स्थल पर शिफ्ट कराया जाए। इसके लिए जनपदों की स्थिति को देखते हुए स्थान का चयन कर लिया जाए। इन स्थलों पर पशु चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कंट्रोल रूम क्रियाशील रहे। बाढ़ आपदा की स्थिति में यदि जरूरत पड़ती है तो अस्थायी राशन केंद्र भी संचालित करने होंगे। खाद एवं रसद विभाग द्वारा इनके संचालन की व्यवस्था पूर्व से ही कर लिया जाए। बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राहत आयुक्त स्तर से खाद सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। राहत सामग्री का पैकेट मजबूत होए, लोगों को कैरी करने में आसानी हो। राहत शिविरों में पेट्रोमैक्स आदि के माध्यम से रात्रि में प्रकाश की उपलब्धता बनी रहे। प्रभावित क्षेत्रों में महिला बालिका सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ऐसे में पुलिस बल की सक्रियता आवश्यक है। फील्ड में तैनात कर्मियों के भोजन आदि की भी व्यवस्था रहे। बाढ़ अतिवृष्टि के कारण कृषि फसलों की क्षति की स्थिति में किसान को यथाशीघ्र राहत दिलाई जाए। क्षति का आकलन कराएं, तत्काल मदद पहुंचाएं। नदियों की ड्रेजिंग से निकली उपखनिज बालू सिल्ट की नीलामी में पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय से होना चाहिए। बालू नीलामी के कार्य का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए। नदियों के कैचमेंट एरिया में अवैध खनन कतई ना हो। ऐसा हर अपराध के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। नदियों के चैनलाइजेशन के लिए ड्रोन आदि नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए समय से कार्य योजना बना लेना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन लेते रहें। गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्ण करुणे सहित गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल के जिलाधिकारी भी मंडलायुक्त सभागार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित होकर अपने अपने जनपद की स्थिति से सीएम योगी को अवगत कराया। एक जैसे राज्य स्तर पर एसडीएमए काम कर रहा है और एसडीआरएफ की 3 यूनिट यूपी के अंदर काम कर रही हैं, एनडीआरएफ हमारे साथ हर एक ऐसी किसी भी चुनौतीपूर्ण समय में सहयोग करता है, ऐसे ही जनपद स्तर पर भी हमें जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करके उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आप इसमें एसडीएमए से और एनडीएमए के साथ भी सहयोग लेकर के इसका भी कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपदा ये केवल बाढ़ ही नहीं है, और भी किसी भी प्रकार की आपदा का सामना कभी भी हमें करना पड़ सकता है। उन स्थितियों में एक प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास हर जनपद में होना चाहिए, सभी 75 जनपदों में। आपके पास हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है। वो अलग विषय है कि बहुत सारे लोग रुचि नहीं लेते, अन्यथा नदी है या मिट्टी का जो पैसा रॉयल्टी के रूप में आता है, ज़्यादातर पैसा उसी में जाता होगा। हम
हर जनपद में अपनी इनकम को और अच्छा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के साथ साथ हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हम उसको कैसे जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम को एक ठोस योजना बना करके पूरे जनपद को न केवल बाढ़ बल्कि किसी भी प्रकार की अन्य आपदा से पूरी तरह बचाव करने की स्थिति में जनपद स्तर स्वयं जिला अपने स्तर पर स्वावलंबी कैसे बने, इस दिशा में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और इसलिए हर जनपद में नियमित रूप से इसकी बैठक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एसटीएमए है या एनडीएमए है, इन सब के साथ मिलकर के पीएसी होगी, पीएसी की फ्लड यूनिट होगी, उनके कमांडर के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, कमांडेंट के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी होनी चाहिए। संवेदनशील जितने भी तटबंध हैं उन तटबंधों का निरीक्षण सिंचाई विभाग या बाढ़ खंड से जुड़े हुए जो अभियंता हैं, जो कार्मिक हैं, उन्हें साथ में लेकर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां का स्वयं निरीक्षण कर लें, कार्यों की समीक्षा भी कर लें। जो अति संवेदनशील नहीं है, एक सामान्य श्रेणी के हैं, वहां पर भी उप जिलाधिकारी और डिप्टी एसपी को भेज करके उन क्षेत्रों में भी हम निगरानी रखें। हर जनपद में कंट्रोल रूम का गठन हो जाए। हम लोग कोरोना जैसी महामारी के समय में हम लोगों ने ICCC का गठन किया था, ये राउंड द क्लॉक काम करता था, 24 घंटे इस कार्य करता था, जिसमें हम लोगों ने कई टेलीफोन के कनेक्शन वहां रखे हुए थे और उसके माध्यम से सूचनाएं लेना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, हर एक स्तर पर जानकारी लेने की एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म तैयार हो चुका था। कंट्रोल रूम हर जनपद का होना चाहिए और उसी तर्ज पर हम लोग इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। आप इस उसमें न रहें कि हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आई है, हमारे जनपद में जल जमाव भी नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी नगर निकाय में, किसी भी वार्ड या मोहल्ले में भी नहीं, और हर एक स्तर पर इसकी जवाबदेही हम सुनिश्चित करवाएं। नाला नालियों की सफाई, ड्रेन आदि की सफाई, उन्हें डिसिल्ट करना, जो सिल्ट निकला है उसका निस्तारण कर देना, ये सभी कार्रवाई समय से आगे बढ़ जानी चाहिए। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इसको हम हर जनपद में करें। जिले के अंदर जिलाधिकारीगण थोड़ी भी रुचि ले लें, कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जल जमाव की, हर एक स्तर पर उसकी जवाबदेही तय करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें जल जमाव से भी मुक्त रखना है और बाढ़ से बचाव के लिए जो भी कार्यक्रम होने हैं, यद्यपि ये कार्य जनवरी फरवरी में शुरू हो जाने चाहिए, जनवरी फरवरी में नहीं हो पाए, अप्रैल से ही शुरू हुए हैं, अप्रैल में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और हमारा प्रयास हो कि कल 30 जून है, 30 जून तक ये कार्य पूरे हो जाएं। देखिए, मानसून अक्सर 15 जून तक उत्तर प्रदेश में आ जाता था, आज मानसून की पहली बारिश प्रदेश के अंदर कई जनपदों में हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए, हरेक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अपने अल्प संसाधनों के माध्यम से, कन्वर्जन के माध्यम से बड़ी चैलेंज को
फेस किया है और उसको बेहतर मॉडल भी उसके प्रस्तुत किए हैं। हमें वही मॉडल इसमें भी प्रस्तुत करना है। 5 वर्षों में जो व्यवस्थित कार्य योजना प्रदेश के अंदर बनी थी, परिणाम है कि 40 जनपदों से यानी जो 26 जनपद अति संवेदनशील थे और बाकी 16 जो जनपद थे जो संवेदनशीलता की श्रेणी में थे, धीरे धीरे करके उनकी संख्या कम होती गई और आज प्रदेश के अंदर जब हम बाढ़ की स्थिति देखते हैं तो बरसात के दौरान विगत वर्ष काफी बड़े पैमाने पर बरसाती पानी आया था, सरयू में आया था, राप्ती में भी आया था, घाघरा में भी आया था, उधर गंडक में भी था, गंगा में था, यमुना में था, लेकिन इन सब को व्यवस्थित कार्य योजना को समय पे लागू करने का परिणाम था कि जनधन की हानि न्यूनतम हुई थी यूपी के अंदर। पहले से ही लागू की गई कार्य योजना की प्रभावी समीक्षा करना, उसका पर्यवेक्षण करना और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू हुए थे, आज उसके परिणाम हम सबके सामने दिखाई देते हैं। हमने नदियों को चैनलाइज करने के लिए ड्रेजिंग की, लेकिन ड्रेजिंग का कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम जो सेट वहां से निकले उसको सही ढंग से ऑप्शन करके उसको वहां से निस्तारित नहीं कर दें। और मुझे लगता है कि ये तो हमारे लिए प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा उपहार है कि जिसका आप उपयोग कर लेंगे तो आपके यहां इल्लीगल माइनिंग की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन जनपद स्तर को रुचि लेनी पड़ेगी, जिलाधिकारियों को माइनिंग विभाग के साथ मिलकर के इसके बारे में रुचि लेनी पड़ेगी, समय पर इस कार्य योजना को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर सिल्ट वहीं पड़ी रहेगी फिर वह नदी के ही उसमें चला जाएगा और उसी के पेट में जाएगा तो फिर नदी फैलेगी और जब फैलेगी तो उसके बाद समस्या खड़ी होनी है। बाढ़ तभी पैदा होता है, बाढ़ की समस्या तभी खड़ी होती है जब ये हम व्यवस्थित रूप से जो चैनलाइज के कार्यक्रम को हम सही ढंग से उसको लागू करने में जहां भी विफल है वहां पे इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए अब आपके पास समय नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर संभव हो सकता है तो इस पे अनिर्णय का शिकार न बन करके समय से इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और अगली कार्य योजना को भी अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। उन संभावित क्षेत्रों को पहले से चिन्हित कर लेना चाहिए कि जहां पे हमें नदी को चैनलाइज करना हो, जो तटबंध के नजदीक हो, गांवों के नजदीक हो, वहां पर नदी का अपना एक निश्चित कैचमेंट एरिया होता है लेकिन कैचमेंट एरिया पर जब भी अतिक्रमण होता है तो नदी वहां से दूर भागती है और जब नदी दूर भागती है तो उसके बाद फिर नई आबादी उसकी चपेट में आती है, उसके कारण जनधन की हानि उसके कारण होती है। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि नदी के कैचमेंट एरिया पे किसी भी प्रकार की इल्लीगल माइनिंग ना होने दें। मैं देखता हूं कई जनपदों में नदी के कैचमेंट एरिया से लोग मिट्टी निकालते हैं, वहां पे इल्लीगल माइनिंग करने लगते हैं या वहां पर अन्य ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके कारण नदी के कैचमेंट एरिया के साथ खिलवाड़ होता है और फिर वह बाढ़ को आमंत्रित करता है और उसके कारण भी जनधन की हानि होती है। हम इस बात को देखें कि इसको हम हर हाल में हर जनपद इसको रोकें और ये हर जनपद का दायित्व बनता है कि हम लोग अपने यहाँ इल्लीगल माइनिंग को किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने न दें, उसको हर हाल में रोकें। जो माइनिंग एक सिस्टम के साथ जुड़ करके शासन की सहमति से और बकायदा नियमों के अंतर्गत हो रहा है उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए कार्य आगे बढ़ा देंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो भी कार्य योजना बनी है उसकी क्वालिटी की जांच, तटबंधों की संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता और संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके जो कार्य योजना बनाई गई है, सिंचाई विभाग ने पिछले 5 वर्ष के अंदर बेहतर तकनीक को अपना करके बाढ़ बचाव के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बाढ़ निरोधक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। हर जनपद
जो भी बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील हैं वे इसे वहां पर लागू करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के ऊपर आएगी, लेकिन अन्य जिन विभागों की चर्चा यहां पर अभी मैंने की है, ये सभी विभाग जनपद के अंदर भी होंगे, जनपद के अंदर भी इनके साथ बैठ करके जिलाधिकारी जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ भी बेहतर संवाद बना करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कार्य योजना जो बनाई गई है वह व्यवस्थित रूप से लागू हुई है या नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि हम बाढ़ आने का इंतजार कर रहे हैं तब आप नाव की व्यवस्था करेंगे, बाढ़ आने का इंतजार करेंगे तब आप चारे का जो चारे के लिए तब आप टेंडर निकालेंगे। ये सारी कार्य योजना आपके पास पहले से होनी चाहिए। अगर बचता भी है तो जब आपके पास निराश्रित गौआश्रय स्थल है आप वहां उनको बेच दीजिए, बाद में उनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आपके पास हमेशा एक स्टॉक इस प्रकार का होना चाहिए जहां पर आप पर्याप्त मात्रा में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्यान्न और राहत पैकेट बनाने की व्यवस्था के साथ साथ जो वहां पर बाढ़ के कारण जिन पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई होगी उन्हें आप पर्याप्त मात्रा में उनके लिए भी चारे की व्यवस्था दे सकें, और इसे हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि बाढ़ एक आपदा है, आपदा के कारण जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने की हमारे स्तर पर प्रयास होने चाहिए, और ये हर जनपद अपने अपने स्तर पर इस कार्य योजना को बनाकर के लागू करने की तैयारी कर लें। बाद में इसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद हम इंतजार करते रहते हैं कि जब शासन से कोई कहेगा तो हम राहत पैकेट बांटेंगे। मुझे लगता है कि अगर बाढ़ आ गई है, गांव मेरुंड हो चुका है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ितों का हम भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा दें। अगर आपको लगता है कि गांव को वहां से हटा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है तो हमें उन्हें सुरक्षित स्थान पर किसी सार्वजनिक भवन में सुरक्षित स्थान पर रखने की वहां पे पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। पीड़ितों में खासतौर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा का उचित प्रबंधन करना चाहिए। कुत्ता या कोई जंगली जानवर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग को नुकसान न पहुंचाने पाए, इसकी भी एक वहां पे व्यवस्था देख लेनी चाहिए। लोगों को पहले से ही इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। अगर ये सभी कार्यक्रम सभी विभाग मिलकर के अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएंगे तो फिर बाढ़ जैसे हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर व्यवस्थित कार्य योजना के माध्यम से उस पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही हम लोग इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा को प्रभावी ढंग से रोकने में हमें मदद मिल सकती है। ड्रेजिंग की जो कार्रवाई एल्गिन चरचरी डैम के पास हुआ है, तटबंध के पास होता है, जो बस्ती के पास हो रहा है, या जो अन्य जनपदों में जो कार्य हुए हैं, हमें देखना चाहिए कि हम अन्य क्षेत्रों में भी अभी से सर्वे करके बाढ़ के दौरान ड्रोन से सर्वे करके या सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से भी हम इन चीजों को चेक कर लें कि हमें बरसात के तत्काल बाद भी कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर हम इन कार्यक्रमों को लागू करते हुए नदियों को चैनलाइज करने की व्यवस्था अभी से प्रारंभ कर लें, जिससे कार्य समय पर आगे बढ़ सके, अन्यथा मई जून में कार्य योजना बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। यह कार्यक्रम आपके अक्टूबर नवंबर से ही बनते हुए दिखाई देने चाहिए, जिससे अप्रैल आते आते बाढ़ बचाव के सारे कार्यक्रम आप लागू कर सकें। जिन्हें परमानेंट बाढ़ बचाव के कार्य जहां होने चाहिए वे कार्य योजनाएं अलग होनी चाहिए, जो टेम्परेरी होनी है वो अलग से बननी चाहिए, और जो मीडियम उससे जुड़ी होंगी, जो तात्कालिक रूप से कुछ प्रभावी होनी है, जिनको उसका प्रभाव पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, एक सामान्य वे में हम लोग बचाव के लिए करते हैं,
इन सभी को हम लोग अगर एक कार्य योजना बना करके प्रभावी ढंग से लागू करेंगे तो जनप्रतिनिधियों को भी समय समय पर माननीय सांसद माननीय विधायक को इसका विजिट करवाएंगे तो काफ़ी बड़ी जो कभी कभी क्षति हो जाती है बाढ़ के कारण, तो उससे हम अधिक से अधिक लोगों को राहत देने में सफल हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो कार्य योजना यहाँ पर तैयार करनी यहाँ पर आप लोगों के स्तर पर तैयार की गई है, आप अभी से इसकी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी भी करेंगे। हर जनपद में कंट्रोल रूम बन जाए, वहाँ पर बाढ़ बचाव से जुड़े हुए विभाग और पुलिस विभाग संवेदनशील अति संवेदनशील स्थलों पर पेट्रोलिंग की प्रभावी व्यवस्था भी करें, जहाँ पर अति संवेदनशील क्षेत्रों हो वहाँ पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी रखें, जहाँ पर पीड़ित परिवार आए उन्हें समय पे खाद्यान्न के साथ साथ ताज़ा भोजन भी मिलना चाहिए, और हम ये बात भी सुनिश्चित करें कि वहाँ पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था लाइट आदि की व्यवस्था भी रहे, जिससे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था उन क्षेत्रों में किया जा सके। बाढ़ का पानी जब बहुत बड़े क्षेत्र में घुसता है तो सांप और अन्य विषैले जीव भी वहाँ से निकलेंगे, वे भी तटवर्ती क्षेत्रों में अपना निवास बनाते हैं, वहाँ पर बहुत बार जहरीले कीड़े लोगों को काटते हैं, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उनके बचाव की भी तैयारी उस दौरान देखनी होगी, उसके बारे में भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर लेंगे। मेरा तो ये मानना है बाढ़ ऐसी आपदा नहीं है कि इससे जनधन को हम न्यूनतम स्तर पर न ले जा सकें, ले जाया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की, लेकिन समय से बनाई गई कार्य योजना का ही परिणाम सामने आएगा। बाढ़ आ जाएगी उसके बाद हाथ पैर मारेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पहले से ही हम कार्य योजना आज के दिन पर अभी बचाव के बारे में हम फोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हमें अभी से बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से आगे करने की तैयारी इस रूप में करनी है, और ये चीजें अगर आप व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा लेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी बड़े पैमाने पर कभी कभी जो जनधन की हानि होती है इसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को लागू करेंगे और अपने अपने जनपद में जिलाधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा, सभी संबंधित विभाग मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को ध्यान में रखेगा कि बाढ़ से संभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ वहाँ पे क्लोरीन की गोलियों का वितरण होता है, वहाँ पर सांप या कुत्ते के काटने के कारण जो एंटी स्नेक वेनम है या एंटी रैबिज वैक्सीन है इसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हर CSC और अन्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी पर्याप्त उपलब्धता भी होनी चाहिए। जिलाधिकारीगण संबंधित CMO और CMS के साथ संवाद बना करके इस पर आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। अवेयरनेस के कार्यक्रम अभी से चले, आपदा राहत मित्र योजना चली है भारत सरकार के माध्यम से, आपदा राहत मित्र के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं इन कार्यक्रमों को भी हमें देखना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं, जल जनित तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, हमें क्या करना है बाढ़ बचाव के दौरान, लोगों को क्या हो सकता है, पेयजल की आपूर्ति हो सकता है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न हो पाए, क्या वो पानी वैसे पी लें या वैसे छान के पी लें, अगर गर्म करके छान के पिएंगे तो कोई भी डायरिया हैजा आदि कोई बीमारी नहीं होगी, चर्म से जुड़े हुए कोई चर्म रोग नहीं होगा, लेकिन हम वहाँ पे इन कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराएं तब ना। दूसरा, जब बाढ़ का पानी उतरता है या बाढ़ के दौरान भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि चिकित्सकों की टीम नियमित विजिट करें वहां पर, हम निरंतर इसके बारे में तैयार करें। कोरोना से बचाव के लिए भी हमें उपाय वहां पे करने होंगे।
क्योंकि पहले से बाढ़ की पीड़ा झेल रहा है, इधर कोरोना अलग महामारी है, तो इन सब के बारे में भी हमारी वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य जितने भी विभाग हैं, कृषि है, खाद्य एवं रसद है, पशुपालन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, गृह है, ये सभी विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग को इन चीजों को देखना होगा कि वहां पे पावर सप्लाई तो नहीं हो पाएगी बाढ़ के दौरान, लेकिन पेट्रोमैक्स और जेनसेट आदि की व्यवस्था हम लोग वहां पे कर सकते करें, या काम विभाग के स्तर पर ही होना है, खासतौर पर सिंचाई विभाग के जहां चौकियां होंगी, बाढ़ चौकी होंगी, वहां पे पेट्रोमैक्स की व्यवस्था, राहत कैंपों में, शिविरों में प्रयास होना चाहिए कि राहत शिविर स्कूल की बिल्डिंग में या उस दौरान कोई खाली पड़े पक्के भवन और अच्छे भवन में ही हम इन चीजों को करेंगे। ऐसा ना हो कि आप उनके लिए टेंट लगाना प्रारंभ करें और बाद में उसके कारण भी समस्या खड़ी हो। सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इन चीजों को भी ध्यान में रख करके ये चीजें हमें आगे बढ़ानी होंगी। और जैसे विगत वर्ष हम लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में बरसात होने के बावजूद जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में मदद हमें सहायता मिली थी, इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की जनधन की हानि को हम लोग नियंत्रित करने में सफल होंगे, ये हम सबको मिलकर के करना होगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसको नेतृत्व देंगे, शासन स्तर पर कंट्रोल रूम की निगरानी राहत आयुक्त के माध्यम से निरंतर हो, SDMA उनका सहयोग करें वहां पर, और हमारी सभी टीमें अभी से पहुंच जाएं उन क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ की पहली आहट होती है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, ये जो जनपद हैं, इन जनपदों में अभी से हमारी तैयारी उसे आगे बढ़ाने के लिए हो जानी चाहिए, और वहां पे नियमित प्रैक्टिस करके हम लोगों को एक भय से पहले से मुक्त करने की तैयारी भी करें। जो जवान या जो स्वयंसेवक कार्य में लगते हैं उनके लिए समय पे लंच पैकेट उपलब्ध हो जाए। अक्सर होता है कि 12 घंटे वे काम कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुनिश्चित करें कि फील्ड में तैनात जवानों को समय पे भोजन आदि जो भी दिया जाना है वो पैकेट ताजा और सही भोजन उन्हें समय पे प्राप्त हो जानी चाहिए। बाढ़ बचाव के उपायों के लिए अन्य जो भी प्रयास होने हैं जिन भी विभागों के स्तर पर, शासन ने समय समय पर उस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं, हम उसे प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी करेंगे। ये मुझे आज के यहां पर आपसे कहनी थी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 5 वर्ष के अंदर के सफल मॉडल के बाद सिंचाई विभाग और अन्य विभाग मिलकर के इस वर्ष भी बाढ़ जैसी आपदा को नियंत्रित करने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं आपके साथ में हुई, मेरे आप सबके प्रति शुभकामनाएं भी हैं। धन्यवाद जी। हरपुर बुधहट पुलिस व सिकरीगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही में गोली लगने से एक छात्र लुटेरा घायल हुआ, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि 29 जून को देवरिया गांव के पास संत कबीर नगर बॉर्डर थाना हरपुर बुधहट के थाना प्रभारी व सिकरीगंज थाना प्रभारी टीम के साथ रात्रि भ्रमणशील थे कि एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति तेजी से आ रहा था। व्यक्ति के संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर वह रुका नहीं और असलहे से पुलिस बल पर फायर करते हुए भागने लगे। तभी हरपुर बुधहट थाना प्रभारी द्वारा आसपास के थानों को सूचित करते हुए उसका पीछा किया गया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में वह व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है, जिसकी स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अभियुक्त दिनांक 25 और 26 जून की रात्रि में थाना हरपुर बुधहट क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट की घटना में सम्मिलित था, जिसकी पहचान रणजीत यादव उर्फ सोखा पुत्र राजेंद्र यादव निवासी उसरापार थाना महुली जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस, एक जिंदा कारतूस, सफेद धातु का 8 जुड़ा पायल, सफेद धातु का 1 लॉकेट, सफेद धातु के 2 सिक्के,
सफेद धातु की 29 जोड़ी बिछिया, सफेद धातु की 3 अंगूठी, सफेद धातु का 1 ताबीज, पीली धातु की 1 अंगूठी, पीली धातु के कान की 2 जोड़ी बाली, पीली धातु का कान का 1 जोड़ा टप्स, पीली धातु की 1 ओम का 1 लॉकेट, पीली धातु की 1 नाक की 2 कील, पीली धातु की 1 नथिया, 3 लूट का मोबाइल, 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम में शामिल हरपुर बुधहर थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, सिकरीगंज थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, थाना हरपुर बुधहट और सिकरीगंज थाने की पुलिस ने रात्रि में चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया, जिस पर कि अपराधी ने पुलिस पर फायर किया। इसमें जवाबी कार्यवाही में अपराधी को गोली लगी है। जो अपराधी पकड़ा गया है वो संत कबीर नगर का रहने वाला है और इस अपराधी के ऊपर करीब 10 मुकदमे हैं और संत कबीर नगर का हिस्ट्री शीटर है ये। इस अपराधी से पूछताछ में जानकारी हुई कि इसने 2 दिन पहले रात्रि में एक घर में घुसकर थाना हरपुर बुधट में एक लूट की घटना को कारित किया था। जो लूटा हुआ माल है वो भी उससे बरामद हुआ है। जो मोटरसाइकिल है और तमंचा है पुलिस ने कब्जे में लिया है। फिलहाल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए और मुकदमा दर्ज कर उसे आगे कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जाएगा। बुधवार को झमाझम बारिश हुआ। पहले ही बारिश में शहर में कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति देखी गई। रेती चौक, जिला अस्पताल, बर्फखाना रोड, डीएम कार्यालय, अन्य जगहों पर भी सड़कों पर पानी लगा रहा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में सुबह से ही 110.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर के कुछ हिस्सों में जलजमाव की समस्या हुई, लेकिन नगर निगम के लगातार सक्रियता तथा नालों की साफ सफाई की वजह से जलजमाव को 3 से 4 घंटे में सभी जगह से पानी निकल गया। उन्होंने कहा कि सुबह रेगुलेटर चालू ना होने पर दिक्कतें आईं, लेकिन नगर निगम की टीम ने लगकर हासुपुर और इलाहीबाग के रेगुलेटर में कुछ दिक्कतें आई थी उसको सही कराकर तेजी के साथ कंट्रोल किया और कहीं पर भी किसी प्रकार की जलजमाव की समस्या नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि कल रात से लेकर आज सुबह 9 बजे तक लगभग 110.8 मिलीमीटर की भारी बारिश गोरखपुर जनपद में हुई है, जिसकी वजह से आज प्रातः शहर के कुछ हिस्सों में वाटर लॉगिंग हो गई, जैसे कि विष्णुपुरम में, बसारतपुर, डॉक्टर सिंक्लेव, राप्ती नगर, भेड़ियागढ़ आदि जगहों पर। लेकिन पिछले फरवरी के एंड से नगर निगम की लगातार सक्रियता और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और क्षेत्र से बाहर के भी नालों की तली झाड़ सफाई की वजह से ये देखने में आया कि ये जो वाटर लॉगिंग हुई 3 से 4 घंटों के भीतर
सभी जगहों से पानी अपने नॉर्मल कोर्स में निकल गया। इन सभी जगहों को मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से, अपनी पूरी टीम, अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, जोनल अफसर, एक्सीएन, एई, जेई आदि के साथ मौके पर जाकर भ्रमण किया। एक जगह पर मुझे बसारतपुर एल्युमिनियम फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति ने नाले को अपने प्लॉट में जाने के उद्देश्य से पूरा मिट्टी डालकर पाट दिया था, जिसकी वजह से कि पानी का फ्लो रुक गया था। 3:30 बजे मेरे पास खबर आने पर मैं खुद वहाँ पर गया और JCB बुलवा कर तत्काल, जो मुश्किल से बहुत छोटा एरिया था लेकिन उसने पूरा मिट्टी डालकर पाट देने से पानी का बहाव रुक गया था, तुरंत JCB बुलवा कर उसको खुलवा दिया गया। पानी का बहाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और ऐसे एक व्यक्ति जो कि पूरे नाले के बहाव को रोक रहा था और जिसकी वजह से अन्य बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान होता, उसके खिलाफ जो है संबंधित शाहपुर थाने में जटेपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत FIR प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही साथ एक पिंटू नाम का जो पथ प्रकाश का जो कर्मचारी था, पिछले काफ़ी समय से जो कि अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहा था, उसको भी आज के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई है। देखने में ये आया है कि जो देवरिया रोड पर जो सिंगड़िया वसुंधरा, जहाँ की पिछली बार की बारिश में हैवी रेन में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी, इस बार जो देवरिया रोड पर CNDS के द्वारा बनाया गया जो नाला है, जिसमें कि नगर निगम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी उसको कंप्लीट कराने में, वो आज उसका जब वहाँ से पूरे उस एरिया में 15 से 20 कॉलोनियाँ उस नाले से जुड़ी हुई हैं और वो इस नाले के बन जाने के वजह से वह उन कॉलोनियों में एक भी बूंद जो है पानी नहीं लगा। पिछली बार जो सिंचाई खंड का जो बाढ़ प्रखंड है वहाँ बहुत पानी लग गया था, अन्य कुछ सरकारी कार्यालय तो वहाँ पानी लगा था, लेकिन अभी हम लोग मुआयना करके आ रहे हैं, कहीं पर भी कोई पानी नहीं लगा है। और कुछ सुबह में ज़रूर दिक्कत हुई थी, जैसे कि हमारा हांसूपुर का जो हमारा रेगुलेटर था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, हमारा जो लाल डिग्गी का सम्पवेल है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, इसके साथ साथ जो विष्णुपुर का हमारा सम्पवेल था वहाँ पर कुछ डीजल की समस्या हुई। लेकिन ये सारी समस्याएँ बहुत ही तेज़ी के साथ, चूँकि नगर निगम की पूरी टीम 6 बजे से ही फील्ड में थी, सभी लोगों ने वक्त के साथ बहुत ही तेज़ी से हमने इसको पूरा कंट्रोल कर लिया और इस वक्त जो है कहीं पर भी जो है पानी की समस्या नहीं है। मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाकर कृषक अपने उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए, खाद बीज की कोई कमी नहीं है, वितरण व्यवस्था गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाए ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। मंडलायुक्त ने उक्त निर्देश NXC भवन सभागार में आयोजित आजमगढ़, बस्ती एवं गोरखपुर की मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने 6 प्रगतिशील कृषकों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत सम्मानित किया तथा गोष्ठी में उपस्थित प्रगतिशील कृषकों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से कहा कि समय से धान की बुआई करें ताकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय स्टालों का मंडलायुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिवत अवलोकन किया गया। गोष्ठी में मंडलायुक्त ने कहा कि गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य नई तकनीक के बारे में जानकारी देना तथा कृषकों की समस्याओं, सुविधाओं आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसका निदान करना है। गोष्ठी में उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रदेश कृषि प्रधान है और कृषकों का हित शासन की प्राथमिकता है और इनके हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनाएं शासन द्वारा की गई हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचने चाहिए तथा सभी नलकूप सही हालत में हो। इस अवसर पर मंडलायुक्त आजमगढ़, जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्ण करुणेश सहित अन्य संबंधित जनपदों के जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण के अतिरिक्त प्रदेश के कृषि निदेशक, सांख्यिकी अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा अपर कृषि निदेशक सामान्य, निदेशक कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर हरेंद्र उपाध्याय ने उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा, हम
जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा जो है। मैं लगाया हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं
ट्रेनिंग किया हूँ, कर रहा हूँ, सभी किसी कोई जाता नहीं है। और सर मक्का के बाद है, हमारे यहाँ मक्के की खेती अब हो रही है, जिसमें भारत एपीराव जी यहाँ खोराबाद के पास जो है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग थे यहाँ जो है कैंपस का जो है, मैं वहाँ रावण खेड़ा से प्रशिक्षण करके आया हूँ और जैविक खेती मैं करता भी ताकि जानवरों को खिला रहा हूँ जो है, इसलिए उस पर भी है। तो आप लोगों का है काला गेहूँ काला चावल किसान के पास। आयुक्त महोदय द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। श्री ब्रह्मदेव यादव, श्री राम नवीना, राम नवीना सरदार नगर, श्री कीर्तन सिंह, श्री धर्मेंद्र सिंह, श्री धर्मेंद्र सिंह को प्रस्तुत हुए हैं, वो कृपया यहाँ नीचे खड़े हो गया। शासन द्वारा अच्छे किसानों को सम्मानित किया जाए जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा और सभी जनपदों के माननीय अधिकारी को मदद। आज खरीफ के संबंध में गोष्ठी हुई थी। बेसिकली इस गोष्ठी का उद्देश्य यही था कि हम लोग जनपद में कैसे उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और कृषि आय बढ़ाएं, तो उसी का टेक्निकल सेशंस वहां पे रखा गया था। और काफ़ी किसान ने कुछ समस्या भी बताया, मतलब जो उनको लोकल लेवल पे या पॉलिसी के संबंध में हो रहा है वो सभी हम लोगों ने नोट भी कर लिया है। जो हमारे तरफ से ठीक करने लायक होगा वो हम करा लेंगे, जो शासन से संदर्भित होगा हम लोग उनसे कराएंगे। और हम लोग यही प्रयास रखेंगे कि जनपद का इस खरीफ सीजन में उत्पादकता बढ़े। सर, कुछ किसानों को सम्मानित भी किया गया? 6 किसान को सम्मानित किया गया है, और भी अन्य योजनाओं में जैसे हॉर्टिकल्चर में, बनाना कल्टीवेशन में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको भी सम्मानित किया गया। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन कर महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका, फिर विजय चौक स्थित एक सिनेमा हॉल में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ मेजर पिक्चर का लुत्फ उठाया तथा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बताया कि राजनीति में लाने वाले मेरे गुरु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपने गुरु से मिला और गोरखनाथ मंदिर आकर बाबा गोरखनाथ के चरणों में अपना मत्था टेका और आशीर्वाद लिया कि जो उद्देश्य लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं उनके साथ एक छोटा सा सिपाही बनकर मैं भी खड़ा रहूं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति फिल्म मेजर कार्यकर्ताओं के साथ देखा गया, जब देश हित में कुछ होता है तो वहां पार्टी के लोग खड़े होते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। मेजर एक अच्छी फिल्म है जो देश के हित में और नौजवानों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए बनी है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सत्येंद्र सिन्हा, पुष्पदंत जैन, राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर बच्चा पांडे, अजय मणि त्रिपाठी, इंद्रमणि उपाध्याय, देवेश श्रीवास्तव, ब्रिजेश मणि मिश्रा, रमेश प्रताप गुप्ता, अनुराग मझवार, पवन यादव, ममता जायसवाल, रणविजय सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद एवं भोजपुरी फिल्म के अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा, Thank you.
बीच रास्ता छोड़ोगे नहीं? हाँ तो पीछे चलिए भाई, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए भाई। मुझे राजनीति में लाने वाले मेरे गुरु जो हैं, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, वही मुझे आदेश किए थे 2019 में चुनाव लड़ने के लिए। और जब मैं 2019 में चुनाव हार गया था तो मैं फिर आशीर्वाद लेने जब पहुंचा तो उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत करो, लगे रहना और सब अच्छा होगा। अब जब उपचुनाव में दोबारा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा और मुझे इस बार जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं पहले गया, अपने गुरु जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं अब आया हूँ यहाँ पे मंदिर में और गोरक्षनाथ पीठ पे आकर के, और मैंने माथा टेका और आशीर्वाद लिया कि जो उद्देश्य लेके हमारे पूजनीय महाराज जी चल रहे हैं उसमें एक छोटा सा सिपाही बनके मैं भी उनके साथ खड़ा रहूं। और जिस तरह से पूजनीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव पूरे दुनिया में बढ़ा रहे हैं उसमें एक छोटा सा सिपाही मैं भी उनके साथ खड़ा रहूं, बस यही आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आया था आज। ये बताइए, उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और इसका कारण है जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं उन्हें तत्काल रोक लगाना चाहिए और इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों में ये जो भावना बैठी हुई है वो उनके दिल से निकलनी चाहिए और इस तरह का कुछ भी दुर्घटना होती है तो दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की घटना करने की कोशिश ना करे। जी बिल्कुल, मेजर देखने के लिए हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में उपस्थित हुए हैं और जो भी देश से जुड़ी चीज़ें होती है, जो देश हित में होती है, उसके साथ खड़ा होना ही हमारे पार्टी का उद्देश्य होता है कि हम हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या किसी भी निर्माण के क्षेत्र में जब देश हित में कुछ होता है तो वहाँ हम लोग खड़े रहते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। तो मेजर जो है एक अच्छी फिल्म है जो देश हित में और हमारे नौजवानों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए बनी है, तो उसको हम लोग देखेंगे और उससे जो भी सीखेंगे वो आपको बताएंगे, उसके बाद आप हमसे मिलिएगा। चुनाव में जो अपशब्द का प्रयोग किए थे, नशनिया कहते थे, ये कहते तो उनके लिए क्या संदेश? नहीं नहीं, ये तो ठीक है, वो अज्ञानता है उनकी। पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब आए आजमगढ़ तो उन्होंने कहा कि कलाकार जो होता है वो भगवान का उपहार होता है। आज मैं खुद ही जब मंदिर में गया और मैंने नटराज भगवान की जब प्रतिमा देखी तो एक बार फिर हंसी आई मुझे उन लोगों पे कि भगवान के स्वरूप को, भगवान के प्रसाद को, भगवान के आशीर्वाद को भी अगर वो लोग टिप्पणी करते हैं तो उनका दुर्भाग्य है और कहीं ना कहीं यही उनको ले डूबा और वो समाजवादी से समाप्तवादी बन गए और एकदम ख़त्म हो चुके हैं। आप देख लीजिए जो जो उनका गढ़ था वो भी ख़त्म हो चुका है और अब जो है सिर्फ इस देश में राष्ट्रवाद चलेगा और इस देश के लोगों में राष्ट्रवाद चलेगा और वही उसी में देश की भलाई है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन और जन जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। कहा, बाढ़ अतिवृष्टि नदियों के जल स्तर की स्थिति पर रखी जाए सतत नजर। प्रभावित जिलों में NDRF SDRF PAC तथा आपदा प्रबंधन टीमों को रखें 24/7 एक्टिव मोड में। प्रभावित परिवारों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए हर जरूरी मदद। हरपुर बुधहट व सिकरीगंज पुलिस की संयुक्त टीम की मुठभेड़ में गोली लगने से एक साथ लुटेरा हुआ घायल। जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 25 जून की लूट की घटना में था शामिल। SSP ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम को 25,000 का दिया इनाम। बुधवार को हुआ झमाझम बारिश। पहले ही बारिश में शहर में कई जगहों पर हुआ जल जमाव। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, 110.8 मिलीमीटर हुई है बारिश। शहर के कुछ हिस्सों में हुई जल जमाव की समस्या। नगर निगम की सक्रियता से 3-4 घंटे में सभी जगह से निकाला गया पानी। अब नहीं है जल जमाव की समस्या। आजमगढ़ बस्ती एवं गोरखपुर की मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। 6 प्रगतिशील कृषकों को प्रमाण पत्र देकर किया गया पुरस्कृत सम्मानित। कहा, आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाकर कृषक बढ़ाएं अपने उत्पादन एवं उत्पादकता। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे गोरखपुर। किया गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन पूजन। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया निरहुआ का जोरदार स्वागत। कहा, जिस उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, एक छोटा सा सिपाही बनकर मैं भी खड़ा रहूंगा उनके साथ। एक जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित बैठक जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा, अभियानों के 100% सफलता सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो प्लान के अनुरूप करें कार्यवाही। कोविड के मरीजों की संख्या में हुई मामूली वृद्धि। कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 114। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, कोविड का टीका ही है सुरक्षा कवच, सभी लोग लगवा ले कोविड का टीका। उदयपुर की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में जिहादी आतंकवाद का किया गया पुतला दहन। कहा, गिरफ्तार हुए लोगों को दी जाए जल्द से जल्द फांसी की सजा। और जनपद में बुधवार को सुबह से ही मानसून ने दी जोरदार दस्तक। शहर से लेकर देहात के इलाकों में हुई झमाझम बारिश। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आ गया है मानसून। 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर हुई बारिश। किया अपील, दामिनी ऐप को सभी लोग अपने मोबाइल में करें डाउनलोड। ऐप को ओपन करने से पता चल जाएगा कि बिजली गिरने का खतरा है या नहीं। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आगामी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 16 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान की शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो प्लान के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए हैं और कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर दिए गए दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सावधानी ही बचाव है, इसलिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि BHND एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गांव में आयोजित होने वाले BHND दिवस में ग्राम प्रधानों को भी शामिल किया जाए। उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने विकास भवन सभागार में आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने DHS की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अभियान के उपरांत सभी के ग्राम स्तर पर कार्यों की समीक्षा भी किए जाए और खराब कार्य करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय किया जाए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजन को मिले, इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, CMO, एडिशनल CMO, CSC, PSC प्रभारी तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में इसको एंट्री करना सर, मेडिकल कॉलेज में बात हुई थी आपसे, लखनऊ से उन्होंने बताया था ये सिस्टम हम लोग चूँकि अपने रजिस्टर में भी कर रहे हैं और फिर हम लोग ऐप में भी कर रहे हैं, तो इसमें सर ऐसा जहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है तो वो छूट जा रहा है। हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था आपसे कि एक पायलट प्रोजेक्ट पर आप हमें ये दिखाइए सर, जिससे कि हमें दो तरह के काम जो है एक ही टाइम में करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो नजर में अगर आप दूर कर रहे हैं तो हम उसको जो है बंद कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से काम कर पाते हैं और आप कोरोना दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि कोविड के मरीजों की संख्या दो दिन पहले बढ़ी, लेकिन कल से कुछ मरीजों की संख्या में कमी हुई है। मरीजों की संख्या 114 है और कंटिन्यू टेस्ट जांच ट्रीटमेंट किया जा रहा है तथा 12 वर्ष के ऊपर जो भी लोग हैं उनको टीकाकरण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी लोगों से आग्रह कर रही है, घर से बाहर ना निकले, आवश्यक कार्य हो तभी निकले, मास्क लगाकर निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तथा भीड़ भाड़ की जगहों पर कम जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं ज़्यादा ना निकलें और पहले से जिनको गंभीर बीमारी है उनको संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि टीका लगने के कारण लोगों में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं दिख रहा है, बस कोरोना का लक्षण आ रहा है और लक्षण अपने आप 2 से 3 दिन में चला जा रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 12 वर्ष से जितने भी लोग हैं सभी लोग कोविड का टीका लगवा लें ताकि इस सुरक्षा कवच से हम सभी कोविड से लड़ाई लड़ने में सक्षम रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा,
देखिए कोविड के मरीज विगत कुछ दिनों बढ़े थे, लेकिन दो दिनों से कोविड के मरीजों की संख्या कम होना शुरू हो गई थी। उधर हमारे जो है 25 से 30 मरीज पॉजिटिव आ रहे थे और आज हमारे मरीज कम भी आए हैं। कल भी हमारे मरीज कम थे, आज हमारे 12 मरीज पॉजिटिव आए हैं। टोटल हमारे यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 102 है और कंटिन्यूस हम ट्रेस टेस्ट ट्रीट एंड ट्रीट टीकाकरण के सिद्धांत पर चल रहे हैं। जितने भी लोग हैं 12 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग सबको टीकाकरण के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। सभी लोगों से कंटिन्यूस हमारी टीमें अनुरोध कर रही हैं कि आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ की जगहों पर कम जाएं, जहां पर जा रहे हैं अगर जा रहे हैं तो वहां पे मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने को सैनिटाइज करिए। बीमार बच्चे बुज़ुर्ग घर से बाहर कम निकलें, जिन दुकानों पर भीड़ होती है वहाँ जाने से बचिए। सार्वजनिक प्रोग्रामों में भी कम से कम जो बच्चे बीमार बुज़ुर्ग और गर्भवती माताएं हैं वो ना जाएं। अगर आप भी जा रहे हो तो आप जो है मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कोशिश ये जो प्रायोजन कर रहे हैं उन लोगों से भी मैं हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि वो अपना इस कार्यक्रमों को खुले स्थान पर करें, चारों स्तरों से बंद ना हो, जिससे कि वहाँ पर जो है अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है तो उसका घनत्व बढ़ने ना पावे। इसके साथ साथ कार्यक्रम को छोटा करने की सलाह दे रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंदी मत करिए, क्योंकि जिससे कि एक्सपोजर टाइम जो है लोगों का कम हो। तो हमारा ये अनुरोध हमें सार्थक साबित हो रहा है। सड़कों पर भी भीड़ कम दिख रही है, जो दुकानों पर पहले कुछ दिन पहले भीड़ अधिक रहती थी वहाँ पर भीड़ भी वो लोग क्रमिक रूप से टोकन बांट करके उनको समय पर बुला रहे हैं। तो ये सभी गोरखपुर के सभी नागरिक हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम शीघ्र ही कोविड को नियंत्रण में कर लेंगे। गंभीर बीमारी है उनके पास? देखिए गंभीरता तो अभी कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं सब होम आइसोलेशन में हैं, किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जिसके आधार पर मैं कह सकूं वो गंभीर है, उनको शीघ्र उपचार करने जिनको गंभीर पहले से बीमारी है, कोई बीमारी गंभीर है उसको। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बच्चे बीमार बुज़ुर्ग और गर्भवती लोग ना निकलें, क्योंकि उनमें संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए एक ख़ास बात और आई है कि जितने लोग हैं लगभग सभी लोगों को, इसमें लगभग 99% लोगों को टीके की दोनों खुराकें लगी हुई हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि संभवतः टीके के कारण ही उनमें कोई गंभीरता नहीं है, केवल लक्षण आ रहा है और लक्षण अपने आप 2 से 3 दिन में ठीक होकर के चला जा रहा है। तो इसलिए मेरा सबसे आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोगों टीका जरूर लगवा लें। 12 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं जिनकी पहली खुराक बची हुई है वो पहली लगवा लें, जिनकी दूसरी बची है दूसरी लगवा लें, जिनकी तीसरी ड्यू हो गई है वो तीसरी खुराक लगवा लें, जिससे टीका निश्चित रूप से एक सुरक्षा कवच दे रहा है और इस सुरक्षा कवच से हम लोग जो है कोविड से लड़ाई लड़ने में सफल होंगे। उदयपुर में हुए दिन दहाड़े हिंदू युवक के इस्लामिक जिहादियों द्वारा दुकान में घुसकर की गई हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में बुधवार को शास्त्री चौक पर जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया, जिसके संबंध में दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि देश में जिहादी आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल ने पूरे भारत में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। जिहादी आतंकवाद द्वारा कमजोर हिंदू समाज को निशाना बनाकर उन पर आक्रमण किया जा रहा है, जिस तरह से उदयपुर में दिन दहाड़े एक हिंदू युवक की जिहादियों द्वारा दुकान में घुसकर हत्या कर वीडियो जारी किया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देकर देश की समरूपता की चुनौती दी है। इस घटना से संपूर्ण राष्ट्र का हिंदू समाज आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए, ताकि जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनको संदेश जाएगा कि अगर ऐसा काम करेंगे तो उनको भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस अवसर पर जिला संयोजक नवीन पांडे, आलोक मिश्रा, सूर्यनाथ सिंह, देवीलाल गुप्ता, रंजीत कसौदन, राहुल गुप्ता, मिथिलेश कुमार, अमित पांडे, अनुराग सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, भारत माता की, सभी जिहादी होश में आओ, होश में आओ।
आज देश में व्याप्त हो रहे जिहादी आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल ने पूरे भारतवर्ष में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी क्रम में आज यहां गोरखपुर महानगर में बजरंग दल के द्वारा ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में जिस तरह से ये जिहादी घटनाएं हो रही हैं और कमजोर हिंदू समाज को निशाना बना करके उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, उसके विरोध में आज बजरंग दल ने ये उनको एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं हो रही आती, अब इसको वो लोग विस्तार करेंगे। जो लोग गिरफ्तार हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, सरेआम सजा दी जाए, ताकि ये एक सनद बने और लोगों को ये जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनके पर संदेश जाए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। जनपद में बुधवार को सुबह से ही मानसून ने दस्तक दे दी। तेज गरज चमक के साथ झमाझम बारिश शहर से लेकर देहात इलाकों में जमकर हुई। इस बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मानसून आ गया है। पिछले 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई तथा आगे भी बिजली गरज के साथ बारिश होगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि दामिनी ऐप सभी लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, जिससे कि ऐप को ओपन करके देखने पर पता चल जाएगा कि बिजली गिरने का खतरा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बारिश से कहीं पर भी किसी प्रकार की जनधन हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और आप देख रहे हैं कि वर्षा प्रारंभ हो गई है, मानसून आ गया है। पिछले 24 घंटे में अब तक 24 घंटे और उसके कुछ दिन पूर्व तक में जो छिटपुट वर्षा हुई थी, कुल मिलाकर के 38 मिलीमीटर लगभग 4 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। अब मानसून आ गया है, आगे के दिनों में भी वर्षा होती रहेगी, बिजली भी गरजेगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एक दामिनी ऐप है प्ले स्टोर पे, आप लोग प्ले स्टोर पे गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएं, दामिनी ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें। जब भी घर से बाहर निकलने की बात हो तो एक बार ये देख लें उसको ओपन करके कि आपके आसपास में बिजली गिरने का खतरा तो नहीं है। यदि बिजली गिरने का खतरा है तो बगैर सुरक्षा उपायों के आप घर से बाहर ना निकलें। जो बिजली गिरने कहीं कहीं
जी, अगर बिजली गिरती है तो जनहानि हो जाती है और ये बड़ा ही दुखदायी होता है। तो यदि आप दामिनी ऐप डाउनलोड किए रहेंगे और उसको ओपन कर लेंगे तो आप अपने सुरक्षात्मक उपाय पहले करके ही कहीं निकलेंगे। इस बारिश से कहीं जनहानि सूचना है? अभी वर्षा, इस जो अभी वर्षा चल रही है, इससे कहीं पर भी कोई जनहानि या धनहानि की सूचना नहीं है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन और जन जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। कहा, बाढ़, अतिवृष्टि, नदियों के जल स्तर की स्थिति पर रखी जाए सतत नजर। प्रभावित जिलों में NDRF, SDRF, PAC तथा आपदा प्रबंधन टीमों को रखें 24/7 एक्टिव मोड में। प्रभावित परिवारों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए हर जरूरी मदद। हरपुर बुधहट व सिकरीगंज पुलिस की संयुक्त टीम की मुठभेड़ में गोली लगने से एक साथ लुटेरा हुआ घायल। जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 25 जून की लूट की घटना में था शामिल। SSP ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम को 25,000 का दिया इनाम। बुधवार को हुआ झमाझम बारिश। पहले ही बारिश में शहर में कई जगहों पर हुआ जल जमाव। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, 110.8 मिलीमीटर हुई है बारिश। शहर के कुछ हिस्सों में हुई जल जमाव की समस्या। नगर निगम की सक्रियता से 3-4 घंटे में सभी जगह से निकाला गया पानी। अब नहीं है जल जमाव की समस्या। आजमगढ़ बस्ती एवं गोरखपुर की मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। 6 प्रगतिशील कृषकों को प्रमाण पत्र देकर किया गया पुरस्कृत सम्मानित। कहा, आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाकर कृषक बढ़ाएं अपने उत्पादन एवं उत्पादकता। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे गोरखपुर। किया गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन पूजन। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया निरहुआ का जोरदार स्वागत। कहा, जिस उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, एक छोटा सा सिपाही बनकर मैं भी खड़ा रहूंगा उनके साथ। एक जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित बैठक जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा, अभियानों के 100% सफलता सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो प्लान के अनुरूप करें कार्यवाही। कोविड के मरीजों की संख्या में हुई मामूली वृद्धि। कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 114। CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, कोविड का टीका ही है सुरक्षा कवच, सभी लोग लगवा लें कोविड का टीका। उदयपुर की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में जिहादी आतंकवाद का किया गया पुतला दहन। कहा, गिरफ्तार हुए लोगों को दी जाए जल्द से जल्द फांसी की सजा। और जनपद में बुधवार को सुबह से ही मानसून ने दी जोरदार दस्तक। शहर से लेकर देहात के इलाकों में हुई झमाझम बारिश। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आ गया है मानसून। 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर हुई बारिश। किया अपील, दामिनी ऐप को सभी लोग अपने मोबाइल में करें डाउनलोड। ऐप को ओपन करने से पता चल जाएगा कि बिजली गिरने का खतरा है या नहीं। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।